नमस्कार, मैं हूं राजू वर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज। डालते हैं देर शाम की खबरों पर एक नजर। भवानी मंडी निवासी कोटा कोचिंग संस्थान एलन ने भवानी मंडी की गोपाल गौशाला में निर्माणाधीन गोपाल मंदिर के लिए 45 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदान की है। इससे इस दो मंजिले अष्टभुजाकार गोपाल मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होकर जल्द ही भगवान की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो सकेगी। वर्तमान में इसकी दोनों मंजिल के मुख्य मंदिर के मुख्य ढांचे का निर्माण कार्य पहले ही भवानी मंडी के दानदाताओं के सहयोग से पूर्ण हो चुका है। शेष गर्भगृह समेत बाकी मार्बल आदि का फिनिशिंग एवं सजावटी कार्य किया जाना बाकी था। इसे पूर्ण करवाने के लिए ही एलन के मालिक गण ने 9 जून को अपने महेश्वरी समाज के आराध्य देव भगवान महेश जी की जयंती के अवसर पर माता कृष्णा देवी व उनके पुत्र गोविंद महेश्वरी, राजेश महेश्वरी, नवीन कुमार महेश्वरी, ब्रजेश कुमार महेश्वरी सब ने 9 लाख रुपए के चेक मिलाकर कुल 45 लाख रुपए प्रदान किए। उन्होंने ये सहयोग देकर अपने मूल स्थान भवानी मंडी के प्रति आत्मीय लगाव का प्रदर्शन कर दिया है। इस अतुलनीय सहयोग के लिए गोपाल गौशाला एवं गोपाल मंदिर ने एलन परिवार का अनंत आभार एवं अनंत साधुवाद व्यक्त किया है। पिछले समय एलन परिवार द्वारा भवानी मंडी में नानी बाई का मायरा कथा वाचन करवाया था। उस समय संत श्री गौवत्स राधा कृष्ण महाराज एवं एलन के गोविंद महेश्वरी का गोपाल गौशाला आगमन हुआ था। तब उनके सामने गोपाल गौशाला पदाधिकारी द्वारा गोपाल मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए आग्रह किया गया था। उन्होंने तभी आश्वस्त कर दिया था कि गोपाल गौशाला में गोपाल मंदिर नहीं बनेगा तो और कहां बनेगा, मंदिर का काम नहीं रुकेगा, मंदिर भव्य बनेगा आदि आदि। गोविंद महेश्वरी एमएलएन परिवार ने अपना अतुलनीय सहयोग प्रदान कर न सिर्फ अपने कथन को साकार कर दिया है बल्कि गोपाल मंदिर के भव्य बनने की राह को भी आसान कर दिया है। गोपाल मंदिर के मुख्य ढांचे के बाद अब मुख्य शिखर पर गर्भगृह आदि का कार्य किया जाना है। इसके लिए पिछले दिनों से स्थानीय आर्किटेक्ट महावीर सिंह मंडलोई आदि के माध्यम से देश के विभिन्न स्थानों के मंदिर निर्माण विशेषज्ञ आर्किटेक्ट से बातचीत जारी है, जिसके बाद मुंबई निवासी आर्किटेक्ट श्री यतीन शर्मा को तय किया गया है, जिनका शीघ्र ही भवानी मंडी आगमन होकर आगे का निर्माण गति पकड़ सकेगा। श्री शर्मा देश में बीटला समूह के मंदिर का निर्माण करवा चुके हैं। गोपाल गौशाला एवं मंदिर समिति के सदस्यों ने इस अवसर पर एक बैठक कर एलन परिवार का इस अतुल्य सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रदर्शन तो किया ही है, साथ ही मंदिर के आगे के निर्माण को गति देने के लिए कार्यक्रम भी तय किया है। उधर मंदिर में सहयोग के लिए गोपाल गौशाला के मार्गदर्शक डॉक्टर जे के अरोड़ा ने आज एलन परिवार के गोविंद महेश्वरी को दूरभाष पर साधुवाद व्यक्त करते हुए कहा कि इस सहयोग से मंदिर निर्माण जल्दी ही पूर्ण हो जाएगा। उधर मंदिर संरक्षक ओम प्रकाश चतुर्वेदी, दुर्गा प्रसाद पारिता, मुख्य प्रबंधक हर गोपाल महेश्वरी, अध्यक्ष यशवंत डड्डा, गोपाल मंदिर समिति अध्यक्ष कमल सुरेखा एवं गोविंद भराड़िया, प्रदीप शर्मा, प्रकाश गुप्ता, सी ए जितेंद्र गर्ग, पदम भंडारी, उमाशंकर पोरवाल, विनय आस्तोलिया, दुर्गा शंकर ठेकेदार आदि ने भी एलन परिवार का धन्यवाद ज्ञापित किया और मंदिर निर्माण की आगे की रूपरेखा बनाई। गोपाल मंदिर में नीचे ध्यान योग एवं सत्संग केंद्र रहेगा। भवानी मंडी झालावाड़ जिले की सबसे बड़ी गोपाल गौशाला में वर्तमान में करीब 800 बेसहारा गायें हैं। यहाँ का वातावरण धर्म में बनाकर लोगों को गौ सेवा के प्रति प्रेरित करने के लिए ही गोपाल मंदिर बनाए जाने की योजना बनाई गई थी। मंदिर के भूतल पर ध्यान योग एवं सत्संग एवं सभा भवन रहेगा। इसके सामने ही संगीतमय रंगीन फुहारे बनाए जाएंगे। मंदिर में चढ़ने उतरने के लिए अलग अलग सीढ़ियाँ रहेगी, जबकि पहली मंजिल पर मंदिर रहेगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण एवं खाटू श्याम एवं सांवरिया सेठ भगवान की मूर्ति स्थापित रहेगी। इससे मंदिर में श्रद्धालुओं का आगमन होगा, जिससे गौ सेवा की भावना का बल मिलेगा। श्रद्धालुओं के दान से प्राप्त हुई राशि से गौशाला में बेसहारा गायों को पौष्टिक आहार मिल सकेगा। वहीं ध्यान योग केंद्र में आए लोगों को गायों के बीच प्रचुर ऑक्सीजनमय वातावरण मिल सकेगा। मंदिर का शिखर रंगीन लाइट से युक्त रहेगा, जो बाईपास से ही दिखाई देगा। मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाने पर बांडिया बाग क्षेत्र और अधिक धार्मिक सर्किट के रूप में विकसित हो सकेगा। चौमेला पंच कुंडीय यज्ञ की पूर्णाहुति व प्राण प्रतिष्ठा के साथ बाबा रामदेव की मूर्ति का 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। कस्बे के बाबा रामदेव मंदिर पर शनिवार सुबह भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस दौरान मेहर समाज के लोगों ने उत्साह से प्रतिष्ठा मंदिर के शिखर पर कलश स्थापना के कार्यक्रम में भाग लिया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान की जय जयकार करते हुए दर्शन किए। वहीं महोत्सव को लेकर गायत्री शक्तिपीठ पर 3 दिन से चल रहे पंचकुंडीय यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। यज्ञ में बड़ी संख्या में महिलाओं पुरुषों ने भाग लिया। कई लोगों ने संस्कार हुए। समापन पर मेहर समाज द्वारा प्रसाद वितरण किया गया। शुक्रवार को गायत्री शक्तिपीठ पर गंगा दशहरा व गायत्री जयंती पर्व मनाया गया। रात को भव्य दीप यज्ञ का आयोजन हुआ।
झालावाड़ जिले के चौमेला में पूर्व विधायक स्नेहलता ने शनिवार को चौमेला उनेल क्षेत्र का दौरा कर कार्यकर्ताओं से भेंट की तथा राज्यसभा में कांग्रेस के 3 सांसद चुने जाने पर आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। पूर्व विधायक ने सेवादल कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से भेंट कर राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुँचाने को कहा। साथ ही कार्यकर्ता पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिलाने से सहयोग करें, ऐसा भी उन्होंने कहा। सेवादल कार्यक्रम के सामने आतिशबाजी कर राज्यसभा के लिए कांग्रेस के 3 सांसद चुने जाने पर आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की गई। पूर्व विधायक ने उनेल क्षेत्र का भी दौरा किया, जहां भगवान नागेश्वर पार्श्वनाथ के दर्शन कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। झालावाड़ 11 जून राजस्थान सरकार एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित के निर्देशानुसार शुक्रवार से जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान आरंभ किया गया। जिला कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार खाद्य सामग्री के सैंपल लेने हेतु टीम में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंद्रवीर सिंह जादव व सहायक बाल मुकुंद हाइता द्वारा चमेला के पोरवाल मावा भंडार से मावे का, ज्ञानचंद जैन से मावे का, उन्हें नागेश्वर से श्री सांवरिया दूध डेयरी से दूध का, डक से चेतना ट्रेडर्स कंपनी से सोयाबीन तेल का एवं गौतम जैन नेमीचंद जैन के से चाय के सैंपल लिए। डक क्षेत्र के 5 प्रतिष्ठानों की जाँच कर 5 सैंपल लिए, सैंपल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लिए। खाद्य सैंपलों को जांच हेतु कोटा प्रयोगशाला में भिजवाए जाएंगे, रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सुवासरा में आम आदमी पार्टी से सम्मिलित हुए कार्यकर्ताओं को जिला आप अध्यक्ष गोविंद सिसोदिया उपस्थिति में सदस्यता दिलाई गई। नगर पंचायत चुनाव में सभी वार्डों से उम्मीदवारी पर चर्चा की गई। गरोट और सुवासरा विधानसभा आम आदमी पार्टी करा रही है सदस्यता ग्रहण। खबरों फिलहाल आज इतना ही, आप देखते रहे खबर 24 न्यूज। धन्यवाद। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जिको। के माता दाऊ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे आ दूर दे चरा है मामला अब गाओ साहिब ने महल बनाई बन जा रहा रे बन जा रहा रे हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जा रहा हूँ छोड़ के मत जाओ एक नीरा बन जा रहा रे बन जा रहा स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिस्टर भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है
पुराना विजेटागिज के पास बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, वैष्णो मंडी, बहानी मंडी।